Hey guys, welcome to StudyIQ. और इस वीडियो में हम जेरोंशियन को कवर करेंगे. जेरोंशियन एक पोएम है बाय टी एस एलियट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है क्योंकि वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के सिलेबस में है ये, और अच्छे से लाइन बाय लाइन इसको एनालाइज करेंगे और इसका जो क्रक्स है वो आपको मैं समझाऊंगा, ताकि कल को कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड तो आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर पाएं. आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है यहाँ पे. इसको आप गूगल करेंगे तो मेरी फेसबुक आईडी आ जाएगी एंड यू कैन फॉलो मी देयर. आप अगर किसी भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो, उसके अलावा क्लैट, डीएसएसबी, वेरियस कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है. आप हमारे कोर्सेज या हमारी टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, परचेज करने के लिए आप studyiq.com पे जा सकते हैं और यू कैन कॉल दीज नंबर्स. जेरोंशियन, इस शब्द का मतलब क्या है? आई एम श्योर इससे पहले आपने ये शब्द नहीं सुना होगा. जेरोंशियन एक ग्रीक ओरिजिन का शब्द है. इसका अर्थ होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति, और एक बुजुर्ग व्यक्ति के थॉट्स ही हम इस पोएम में पढ़ेंगे. एक बुजुर्ग व्यक्ति जो दुनिया को देख रहा है, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऐसी दुनिया जो अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर वन से गुजरी है. बहुत थॉट प्रोवोकिंग पोएम है. यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से दुनिया डिके कर रही है, दुनिया की जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं, और क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं एज अ स्पीसीज, क्या ह्यूमन काइंड सही रास्ते पे है. तो बहुत सुंदर पोएम है, शुरुआत करते हैं इसकी. ये जो पहले की जो तीन लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पोएम का पार्ट नहीं है वैसे, मगर अपने आप में थॉट्स हैं. पोएम एक्चुअल जो पोएम है जो आपके एग्जाम में आएगी वो यहाँ से है, मगर इसको भी आप मान लीजिए थोड़ा पढ़ी लेते हैं. दाउ हैस्ट नॉर यूथ नॉर एज, बट एज इट वर एन आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑफ बोथ. इसका अर्थ है तुम्हारे पास ना जवानी है ना एज है, बट एज इट वर एन आफ्टर डिनर स्लीप, मतलब कि जरे खाना खाने के बाद आदमी सोता है, तुम उस नींद में दोनों के स्वप्न देख रहे हो, दोनों के सपने देख रहे हो, जवानी के भी और उम्र के भी, मतलब यू आर ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट. खैर, शुरुआत करते हैं पोएम की यहाँ से. हेयर आई एम एन ओल्ड मैन, यहाँ पे जेरोंशियन अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यहाँ हूँ मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, अपनी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं. इन अ ड्राई मंथ, ड्राई मंथ क्या होता है? ड्राई मंथ एक ऐसा युग होता है, एक ऐसा समय होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती, जहाँ बारिश नहीं होती. अब यहाँ पे आप कहोगे कि बारिश क्या, जो फिजिकल जो बारिश होती है जिसका किसान वेट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम मेटाफोरिकल बारिश की बात कर रहे हैं. एक ऐसी बारिश जो इंसान को पॉजिटिविटी देती है, जो इंसान को होप देती है, जो इंसान को उम्मीद देती है, बेसिकली एक ऐसी बारिश जो इंसान को ह्यूमैनिटेरियनिज्म के बारे में बताती है. ठीक है, और आगे लिखते हैं, बीइंग रेड टू बाय ए बॉय वेटिंग फॉर रेन. और जहाँ जेरोंशियन बैठे हैं उनको एक छोटा सा बच्चा है, वो उनके लिए कोई किताब पढ़ रहा है, कोई पोएम पढ़ रहा है, और जेरोंशियन जरे वहाँ पे बैठे हैं वो बारिश की वेट कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी. ये वही, वो फिजिकल बारिश नहीं कह रहा, मैं मेटाफोरिकल बारिश की बात कर रहा हूँ. आगे लिखते हैं, अब सिंस मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद की पोएम है ये, तो यहाँ पर जेरोंशियन बताते हैं कि क्या उन्होंने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया था. तो वो कहते हैं नहीं किया था, और इन पंक्तियों से वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं. आई वॉज नीदर एट द हॉट गेट्स. हॉट गेट्स से जेरोंशियन का मतलब है द बैटल ऑफ थर्मोपाइल से. अब ये जो बैटल है इसके बारे में आपने एक मूवी भी देख रखी है, शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो. मूवी थी 300 दिस इज स्पार्टा वाली, आपको याद होगा 300 स्पार्टन्स पर्शियन आर्मी को रोक के रखते हैं, तो वो बैटल ऑफ थर्मोपाइल थी. ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से बता रहे हैं कि मैं ना उस जंग में था. अब बैटल ऑफ थर्मोपाइल से ये बता रहे हैं जंग के बारे में. ठीक है, क्योंकि वो जो जंग थी वो इतनी महान थी, वो एक तरीके से जो बाकी सारी वॉर्स हुई हैं उनको भी सिम्बोलाइज करती है कि जंग होती है तो वैसी होती है. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ना मैं जंग में था, नीदर एट द हॉट गेट्स नॉर फॉट इन द वार्म रेन. अब आपको पता है सोल्जर्स को बहुत सारे मुश्किल हालातों से गुजरना होता है जब वो वॉर में होते हैं. वार्म रेन होता है, वेरियस आप क्लाइमेटिक कंडीशन से आप गुजरते हो. यहाँ पे जो रेन की बात कर रहे हैं ये जेन्युइन रेन की बात कर रहे हैं, कि सोल्जर्स कई बार जब ट्रैवल कर रहे होते हैं हमेशा लड़ नहीं रहे होते, आधा टाइम तो उनका एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने भी लग जाता है. तो जब बारिश हो रही होती है आपको तब भी वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है. और आगे लिखा हुआ है नॉर नी डीप इन द सॉल्ट मार्श. मार्श होता है दलदल ऐसा. ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू की मूवीज़ में सोल्जर्स ऐसे दलदल से भी गुजर रहे होते हैं, उनका
जो बॉडी होती है नी डीप होती है पानी में और ओवरऑल काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। और आगे लिखते हैं हीविंग अ कटलास, हीविंग होता है हिलाते रहना, ठीक है, मूव करना। कटलास एक टाइप का छोटा चाकू होता है, तो दलदल से आदमी गुजर रहा होता है तो रास्ते में इस टाइप की वीड दिखती है उसको या और टाइप की चीज़ें दिखती हैं तो उसको काटने के लिए वो एक कटलास का इस्तेमाल करता है। सोल्जर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिटन बाय फ्लाइज फॉट, वहाँ पे मच्छर भी काटते हैं आदमी को। तो बेसिकली जो एक सोल्जर मुश्किल हालातों से गुजरा है उससे हमारे जो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उससे नहीं गुजरे, उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और आगे लिखते हैं माई हाउस इज़ ए डिकेड हाउस। अब डिकेड जो शब्द है यहाँ पे मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि डिस्ट्रॉयड हाउस या बर्न डाउन हाउस, एक बार को वो फिर भी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे समाप्ति हो चुकी होती है। डिकेड मतलब कि जो सड़ चुका हो, और डिके अपने आप में एक प्रोसेस होता है, तो ये उससे भी ख़राब एक किसी का नसीब हो उसकी बात कर रहे हैं कि जो उनका घर है वो एक डिकेड हाउस है। एंड द ज्यू स्क्वाट्स ऑन द विंडो स्टिल। अब यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा एंटी सेमेटिक बात कर रहे हैं, एंटी ज्यू बात कर रहे हैं। आपको पता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री ज्यूज़ को निशाना बनाया गया है और उनको काफ़ी बार एक्यूज़ किया गया है कि वो पैसे को अपने कब्ज़े में रखते हैं। और ओवरऑल हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर देश में, चाहे जर्मनी में तो खैर हिटलर ने ज्यूज़ को मारना शुरू कर दिया, 6 मिलियन ज्यूज़ मार दिए थे, मगर वर्ल्ड वॉर टू से पहले US में भी ज्यूज़ को लेकर लोगों के मन में काफ़ी शक रहता था। लोग मानते थे कि ये पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, धन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ज्यूज़ काफ़ी बार इन्वॉल्व होते थे पैसे को लोन देने में। ज़्यादातर जो भी मनी लेंडर्स होते थे, जो पैसा ब्याज में देते हैं, वो ज्यूज़ होते थे। और एक वैसे ही बेसिक बात है, किसी को भी एक ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता जो उससे इंटरेस्ट ले पैसे का। तो एक हिस्टोरिकली एक स्केप्टिसिज्म रहा है वेस्ट में ज्यूज़ को लेकर, एक शक सा रहा है। तो उसी शक को यहाँ पे इलियट साहब भी बयां करते हैं, कहते हैं कि जो वो डिकेड हाउस है उसकी जो विंडो है वहाँ पे एक जीव बैठा है। अब जीव को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हालत है सिविलाइजेशन की, अब यहाँ पे मैं एक और लेयर जो है इस पोएम की वो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति है जेरोंशियन, अब ध्यान से सुनना, जेरोंशियन अपने आप में सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी जो ह्यूमैनिटेरियन रेन है उसकी वेट कर रही है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो घर है वो भी अब डिकेड है, वो भी अब सड़ रहा है, और बाहर एक जीव बैठा। अगेन मैं रिलीजन की तरफ नहीं जाऊंगा यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको ऐसे देखते हैं कि बाहर जो एक मनी माइंडेडनेस है पैसे को लेकर, किसी को पैसे उधार देना, फिर वो साइकिल चलती रहती है, आदमी गुलाम सा बन जाता है उसका, वो उसकी विंडो के बाहर बैठा है। और आगे लिखते हैं द ओनर स्पॉन्ड इन सम एस्टेमिनेंट ऑफ एंटवर्प ब्लिस्टर्ड इन ब्रसल्स पैच्ड एंड पील्ड इन लंडन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है जबकि जो व्यक्ति है जो वहाँ पे रहते थे उस घर में, अगेन ये सिर्फ जेरोंशियन का घर नहीं है, ये एक ऑफकोर्स एक हम एक मेटाफोरिकली हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग थे वो दुनिया भर की जो वॉर है वहाँ पे लड़ रहे हैं, कोई लंडन में पोस्ट है, कोई ब्रसल में पोस्ट है, ठीक है, एंटवर्प एक जगह एक सिटी है, ठीक है। और आगे लिखते हैं जो हालत है उस पूरे एरिया की, जो मिजरेबल कंडीशन है उसके बारे में लिखते हैं कि द गोट कॉफ्स एट नाइट इन द फील्ड ओवरहेड रॉक मोस स्टोन कॉर्प आयरन मर्ड्स द वुमेन कीप्स अ किचन मेक्स टी स्नीजेस एट इवनिंग पोकिंग द पीविश गटर आई एन ओल्ड मैन अ डल हेड अमंग विंडी स्पेसेस। तो अभी के लिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसमें हम इसका जो क्रक्स है वो ये निकालते हैं कि जेरोंशियन बात कर रहे हैं एक बारिश की, एक बारिश जिसकी ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंसानियत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे लिखते हैं कि उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपसे कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में डिड जेरोंशियन पार्टिसिपेट इन द वॉर, या ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉट वर्ड लिखा हुआ है ये किस वॉर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्ट मार्च से क्या मतलब है, कि दलदल है, जो सोल्जर्स दलदल से गुजरते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फाइनली जो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें जो हालत है इस वक्त सिविलाइजेशन की उसके उस पर उन्होंने रोशनी डाली है कि वर्ल्ड वॉर वन की जो दुनिया थी वो कैसी हो चुकी थी। तो अब तक हमने पढ़ा कि जेरोंशियन एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बारिश की ज़रूरत है, मेटाफोरिकल बारिश, फिजिकल बारिश नहीं। और
उस दुनिया की हालात के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट्री दी, कुछ अपने विचार प्रेजेंट किए। और आगे पोएट लिखते हैं, साइंस आर टेकन फॉर वंडर्स, वी शुड सी अ साइन। अब किस साइन के बारे में बात कर रहे हैं? देखो, क्रिश्चियनिटी में, आई थिंक क्रिश्चियनिटी में नहीं, दुनिया के हर रिलीजन में ये माना जाता है कि जो गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, वो हमको साइन देते हैं, कुछ दिशा दिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए। कई बार आदमी को समझ नहीं आता कि उसको किस रास्ते में जाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, मगर कहा जाता है कि भगवान उसको एक साइन दिखाते हैं। मगर यहाँ पे जेरोंशन ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे साइन जो दिखता है हम उसको एक अजूबा मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपने एक डिसीजन लेने का सोचा और अचानक से कमाल की बारिश हो जाती है, थंडरस रेन, और एक पेड़ उखड़ जाता है और आप कहते हो वाह क्या अजूबा है, ये तो नेचर की एक कमाल की चीज़ थी। जबकि वो एक साइन था, वो एक साइन था कि आपका जो डिसीजन है वो अच्छा है या ख़राब है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हम जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी से दूर हो चुके हैं और जो साइन गॉड हमको देते हैं वो भी नहीं देख पा रहे। द वर्ड विद इन अ वर्ड अनेबल टू स्पीक अ वर्ड। अब जो वर्ड है ना यहाँ पे, वर्ड से इनका मतलब है जीसस क्राइस्ट से। एक अलग से बाइबल में पूरा चैप्टर है इस पे, लोगोस पे, के वहाँ पर जीसस को एक सिंबल के रूप में भी दिखाया है, एक लोगो, जो इसको हम एक वर्ड भी कह सकते हैं आगे जाके। तो कह रहे हैं द वर्ड विद इन अ वर्ड, जो गॉड की एक वाणी है, हम उसको सुन नहीं पा रहे बेसिकली। अब गॉड की वाणी क्या होगी? वही होगी मिलजुल के रहो, आपस में धोखा मत दो एक दूसरे को, पीसफुली रहो। हम वो जो एक मैसेज है उनका वो भी नहीं देख पा रहे। स्वेडल्ड विद डार्कनेस इन जुविसेंस ऑफ द ईयर केम क्राइस्ट द टाइगर। तो आगे लिखते हैं कि हम लोग स्वॉन्डल्ड विद डार्कनेस है, हर तरफ हमारे डार्कनेस है, अंधेरा है, तभी हम जो साइंस है उनको ये मान लेते हैं ये तो अजूबा है, जबकि ये नहीं देख पाते कि इट इज़ अ साइन। और आगे लिखते हैं इन द जुविसेंस ऑफ द ईयर केम क्राइस्ट द टाइगर। वो आप कहोगे वाओ क्राइस्ट द टाइगर। अब जीसस क्राइस्ट की आप कहीं भी आप कोई इमेज देखोगे, वो आपको हमेशा बहुत ही काइंड, केयरिंग, उनकी उनके एक्सप्रेशन होते हैं वैसे लगते हैं, एक बहुत ही काइंड व्यक्ति के हैं और बहुत ही सिंपैथी के साथ देख रहे होते हैं। यहाँ पर द टाइगर क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, क्राइस्ट दुनिया में आए, फिर वो चले गए वापस गॉड के पास, ही वॉज द सन ऑफ गॉड। अब क्रिश्चियनिटी में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्राइस्ट जब वापस आएंगे तो वो वैसे क्राइस्ट नहीं होंगे जैसे पहले थे, अब जो आएंगे वो होंगे क्राइस्ट द टाइगर। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जरा हिंदू रिलीजन में हमारे यहाँ कहते हैं कि जो 10 अवतार हैं, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें से जो लास्ट अवतार होगा कल्कि, वो कलयुग में आएगा कल्कि अवतार। बाकी जो इससे पहले के अवतार थे वैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो कुछ हद तक अग्रेसिव होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो कलयुग में आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब क्राइस्ट आएंगे वो एक टाइगर की फॉर्म में आएंगे, ज़रूरी नहीं है एज ए लिटरल टाइगर बन के आएंगे, मगर उनकी फॉर्म भी अलग होगी, क्योंकि दुनिया ऐसी हो चुकी है, लोग साइंस नहीं देख पाए, हर तरफ डार्कनेस है। तो यहाँ पर जब सन ऑफ गॉड फिर से आएंगे तो उनका जो रूप होगा वो बदला होगा। और जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं उसके बारे में थोड़ा और उन्होंने लिखा हुआ है, इन डिप्रेव्ड में डॉगवुड एंड चेस्टनट फ्लावरिंग जूडस। वाओ, जूडस, देखिए क्या है कि जीसस क्राइस्ट की जो कहानी थी उसमें जीसस क्राइस्ट के कुछ चुनिंदा लोग थे जिनमें जीसस क्राइस्ट बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, उनमें से एक थे जूडस। जूडस ने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था। बेसिकली जो सोल्जर्स थे, जो एम्पायर जीसस क्राइस्ट को दंड देना चाहता था, उनकी हेल्प करी जूडस ने, और जूडस की वजह से ही जीसस क्राइस्ट की अल्टीमेटली मौत होती है, उनको मारा जाता है। और क्रिश्चियनिटी में जूडस को माना जाता है सबसे बड़ा धोखा देने वाला। बहुत कम लोग हैं जिनका आप नाम देखोगे जूडस, आपको दिखेगा उनका नाम, ठीक है, काफ़ी इनफेमस नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मूवी भी बनी हुई है जूडस पे, लिखा हुआ है द अल्टीमेट एक्ट ऑफ बिट्रेयल। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम तो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे जूडस फ्लावर कर रहे हैं, जैसे पेड़ों पे आपने देखा होगा कि फूल खिल रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे तो जूडस खिल रहे हैं। वी लिव इन सच अ वर्ल्ड। और वो जूडस भी क्यों पैदा हो रहे हैं? टू बी ईटन, टू बी डिवाइडेड, टू बी ड्रंक। उनका हश्ल भी क्या होगा, उनको भी खा लिया जाएगा,
उनको भी बांट दिया जाएगा या वो भी नशे में होंगे। तो जो कलयुग है, जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसको इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हमारे सामने। ठीक है, अच्छा आगे आप देखोगे बहुत सारे नाम हैं, मिस्टर सिल्वेरो, लिमोजेस, और ये बहुत सारे बाय हाकागावा, मदामे दे तोर्तिस्क, और यहाँ पे कोई जर्मन नाम भी है, फ्रैनुअल वॉन कुल्प। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे जिएंगे उनके साथ क्या होगा। अब बेसिकली यहाँ पे पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नाम है आप देखोगे, ये दुनिया भर की जो वेरियस कंट्रीज़ हैं जो उस समय मैटर करती थी, उस समय आपको पता है यहाँ पे कोई इंडियन नाम या चाइनीज़ नाम आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इंडिया चाइना बहुत हद तक उस वक्त बुरी हालत में थी। चाइना ओपियम वॉर में उलझा हुआ था, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो दे डिड नॉट मैटर ऑल दैट मच। मगर यहाँ पे जो बाकी जो देश हैं, इटली, फ्रांस, फ्रेंच नाम यहाँ पे है, हाकागावा ये जापानीज नाम है, फ्रैनुअल वॉन कुल्प ये जर्मन नाम है, फिर हमको और भी यहाँ पे नाम दिखते हैं, ब्रिटिश नाम दिखते हैं। तो बेसिकली दुनिया भर में जो लोग हैं वो ऐसी ही लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे उनको खा लिया जाएगा, दे विल बी डिवाइडेड एंड दे विल बी ड्रंक। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आप नोटिस करोगे कि इस पोएम का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ना ये पोएम एक सोनेट है, ना एक ओड है, ना कोई यहाँ पे कुछ कपलेट्स हैं। तो बेसिकली ये पोएम मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्री वर्स है। ऑलराइट, फ्री वर्स में कोई रूल नहीं होता, जैसे आप चाहो वैसे आप लिख सकते हो। अब ये वाला जो पार्ट है पोएम का, यहाँ पे पोएट हमको जेरोंशन के ज़रिए हमको ये बताते हैं कि अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो हमको बहुत एग्जांपल दिखेंगे जब इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाया, जब उसने गलत डिसीजन लिए, और धीरे धीरे ऐसे ही सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस ख़त्म होती हैं। और अगर आप सोच कर देखो तो ऐसे ही हुआ है। हम अब 2017 में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी बार हम देखते हैं जो इससे पहले जो सभ्यताएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और घूम फिर के उनका बचता भी क्या है, उनके कुछ सिक्के मिलते हैं, वो भी ज़मीन में कई मीटर नीचे दबे हुए, उनको आर्कियोलॉजिस्ट खोद के निकालते हैं और उस सभ्यता का कुछ भी नहीं बचा होता, ना कल्चर ना कुछ, बस कुछ अवशेष मिलते हैं। तो इससे हमको पता लगता है, और यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री मतलब बेसिकली इतिहास में हम देखें कि इंसान को किस तरीके से गाइडेंस मिलती है और वो उस गाइडेंस का करता क्या है, उसका बताएं। तो यहाँ पे लिखते हैं, थिंक नाउ हिस्ट्री हैज़ मैनी कनिंग पैसेजेस, कनिंग मतलब चलाक पैसेज होते हैं हिस्ट्री के, कंट्राइव कॉरिडोर्स एंड इश्यूज, डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशंस। काफ़ी बार जब हम इतिहास को ही देखें वहाँ से कोई नॉलेज प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमको कुछ एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, बहुत कनिंग पैसेजेस होते हैं, क्योंकि उस वक्त भी उनको भी प्रॉपरली कुछ समझ नहीं आ रहा होता था कि उनके जो एक्शंस हैं वो क्या चीज़ गाइड कर रही है। मगर यहाँ पे पोएट कहते हैं जो ज़्यादातर गाइडेंस मिलती है हमारे एक्शंस को, वो वैनिटी से मिलती है। वैनिटी होती है प्राइड, ईगो, वैनिटी, और काफ़ी बार वैनिटी ही आदमी पर राज करती है, वो वैनिटी से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और आगे लिखा हुआ है, थिंक नाउ शी गिव्स व्हेन आवर अटेंशन इज़ डिस्ट्रैक्टेड। शी मतलब यहाँ पे शी से मतलब है, आप कह लो डेस्टिनी, कह लो हायर पावर, कह लो या जो भी चीज़ है, जो पावर है, जो हमको लाइफ में जो भी हमको मिलना होता है वो हमको देती है। तो कह रहे हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री आप जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि शी जो हायर पावर है वो हमको देती कब है, कोई भी चीज़ जो उसको हमें देनी होती है, शी गिव्स व्हेन आवर अटेंशन इज़ डिस्ट्रैक्टेड, जब हम देख नहीं रहे होते, जब हमारी अटेंशन है डिस्ट्रैक्टेड होती है, तभी वो चीज़ हमको मिल रही होती है। ऑफ कोर्स ये एक आयरनी है, ये एक अपने आप में ट्रेजेडी भी है कि जब अटेंशन किसी की डाइवर्टेड हो तभी उसको कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल रही हो। एंड वॉट शी गिव्स गिव्स विद सच सपल कन्फ्यूजन्स दैट द गिविंग फैमिश इज़ द क्रेविंग। फैमिश इज़ मतलब किसी को और भूखा बना देना, ठीक है, क्रेविंग होती है भूख कह लो, ठीक है, क्रेव करना किसी चीज़ को, तो जो क्रेविंग होती है उसके लिए जब वो दे भी रही होती है तो वो ऐसे सपल कन्फ्यूजन्स के साथ होती है, ऐसी वो अपने आप में इतनी जटिल तरीके की गिविंग होती है कि वो क्रेविंग को और ज़्यादा बढ़ा देती है। गिव्स टू लेट व्हाट्स नॉट बिलीव्ड इन एंड इज स्टिल बिलीव्ड, जो देना होता है वो काफ़ी देर में भी देती है, और व्हाट्स नॉट
बिलीव्ड इन और इज स्टिल बिलीव्ड, और काफ़ी बार जब लोग उस पर यकीन भी नहीं करते तब वो चीज़ मिलती है। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सिविलाइजेशन है, उसको पानी की ज़रूरत है। कई बार नदी कुछ मतलब पास में ही कहीं बह रही होती है मगर उनको पता नहीं लगता, या कई बार वो जब सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी होती है तो धरती ऐसा कुछ मोड़ लेती है कि वहाँ से नदी बननी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी बार हमको देखने को मिलता है कि कई जो चीज़ें लोगों को चाहिए होती है वो बहुत लेट मिलती है, या जब वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तब मिलती है। तो ये नदी तो एग्जांपल हो गया। कई बार सद्बुद्धि भी नहीं मिल पाती आदमी को, ठीक है। एक राजा हो, उसको कोई डिसीजन लेना था, वो डिसीजन लेने की जो उसको पावर होती है वो भी काफ़ी बार काफ़ी लेट मिलती है, ठीक है। और आगे लिखते हैं, गिव्स टू सून इन टू वीक हैंड्स, और काफ़ी बार जो पावर को जो देना होता है बहुत ही कमज़ोर हाथों को दे देती है, इतने कमज़ोर हाथों को जिनको पता नहीं होता कि उसका करना क्या है। व्हाट्स थॉट कैन बी डिस्पेंस्ड विद टिल रिफ्यूजल प्रोपगेट्स अ फियर, थिंक नीदर फियर नॉर करेज सेव्स अस। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, सिंस ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता आएगा। आगे लिखते हैं, नीदर फियर नॉर करेज सेव्स अस। फियर मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं, ना हमको रिलीजन बचा सकता है, ना हमको और कोई चीज़ जैसे साइंस या रिलीजन से हम परे जाएँ तो भी हम बच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अननेचुरल वाइसेस, वाइसेस होती है बुराइयाँ, वर्चुज होती हैं गुड। तो कह रहे हैं, अननेचुरल वाइसेस आर फेदर्ड बाय आर हीरोइज़म, जो हमारे वाइसेस होते हैं उनको हम हीरोइज़म से तुलना करते हैं उनकी, और जो वर्चुज होते हैं वो हम पे फोर्स किए जाते हैं बाय आर इम्प्यूडेंट क्राइम्स। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है केयरलेस, किसी की जो फिक्र नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री में जो उसके साथ ख़राब चीज़ें होती हैं उसकी आयरनी दिखाई है, कि कई बार हमको नॉलेज या जो भी चीज़ हमको चाहिए होती है मिलनी वाली होती है मगर कभी हमारी टेंशन कहीं और होती है, कई बार हम लोग कहीं और देख रहे होते हैं, या फिर कई बार हम रेडी नहीं होते उसके लिए। तो बेसिकली जेरोंशियन बहुत ही डिप्रेस टोन में ये कह रहे हैं कि वी आर डूम्ड टू फेल। और आगे बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द पोएम है उसमें बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, और एलिजाबेथियन एज के जो ड्रामास थे उसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे जिनके बारे में आपको वैसे पता होना नहीं चाहिए। अब तक जो आपने पढ़ा एग्ज़ाम के लिए वैसे काफ़ी है, मगर फिर भी ये बता रहा हूँ, लास्ट के दो स्टैंजाज हैं उसमें ये लिख रहे हैं, द टाइगर स्प्रिंग्स इन द न्यू ईयर। यहाँ पे क्राइस्ट द टाइगर की बात की जा रही है, जिसके बारे में हमने और अर्लियर डिस्कशन हमने किया था। और आगे लिखते हैं, अस ही डिवावर्स, और जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो प्रेजेंट दुनिया है, उसको डिवावर करने के बाद ही नई दुनिया वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बाइबल से रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे बाइबल के चैप्टर हैं, एक्सोडस और मैथ्यू, और यहाँ पे कुछ कई जगह पे लोगोस का भी वर्णन है। तो बेसिकली जो बात हमने अभी तक डिस्कस करी है उसको ही कह रहे हैं कि जो दुनिया है उसका जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और किस तरीके से जो लास्ट लाइन है, थॉट्स ऑफ ए ड्राई ब्रेन इन अ ड्राई सीजन, मतलब कि खुद की बात भी कर रहे हैं कि एक ऐसे डिप्रेस दुनिया में जो हमारे जेरोंशियन है वो भी डिप्रेस फील कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिछला पैसेज है वहाँ पे आप देखोगे जेरोंशियन अपने बारे में जो बात करते हैं कि उनकी कंडीशन है वो कैसी है, कहते हैं, आई हैव लॉस्ट माई पैशन, वाई शुड आई नीड इट टू कीप, सिंस वॉट इज केप्ट मस्ट बी अडल्ट्रेटेड। क्या मैं अपना पैशन अपने पास रखूँ भी क्यों, अडल्ट्रेटेड मतलब कि उसमें मिलावट हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। कह रहे जो मेरा पैशन मेरे पास रहेगा वो हम इतनी करप्ट दुनिया में रह रहे हैं, इतनी ख़राब दुनिया में रह रहे हैं, उसको भी अडल्ट्रेट कर दिया जाएगा, तो पैशन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनका ब्रेन है वो भी ड्राई है, अब लिटरली ड्राई ब्रेन नहीं होता, सूखा ब्रेन किसी का कुछ नहीं होता, मतलब कि जो मेंटल कंडीशन है उनकी वो भी इतनी फर्टाइल नहीं है, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, जिस दिशा में वो जा रही है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एंड इट इज़ बाउंड टू बी डूम्ड। और ड्राई सीजन की बात कर ही रहे हैं जहाँ पे बारिश नहीं होगी, जिस बारिश की ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ह्यूमन काइंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे ड्राई सीज़न ही होगा। तो जिस से हमने शुरू की थी वहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये था पूरी जो पोएम है उसका क्रक्स, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। और ऐसी और पोएम्स आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।